आज हुए चुनाव तो पीएम मोदी ही होंगे देश की पहली पसंद। एनडीए सरकार के दो साल पूरे होने पर जी बिजनेस के सर्वे में 92% लोगों ने जताया भरोसा। 80% लोगों ने कहा दो साल में सुधरी आर्थिक स्थिति। मोदी सरकार की मेक इन इंडिया योजना सबसे अच्छी। जी बिजनेस के सर्वे में 51% लोगों की राय। 25% लोगों ने रेल मंत्री सुरेश प्रभु के कामकाज को बताया सबसे बेहतर। मोदी सरकार के नौकरी उपलब्ध कराने के कदमों से लोग खुश। जी बिजनेस के सर्वे में लोगों ने माना भ्रष्टाचार भी हुआ कम। बैंकों का पैसा लेकर भागे विजय माल्या की संपत्तियों पर कब्जे का सिलसिला शुरू। पणजी में माल्या की प्रॉपर्टी पर बैंकों ने जमाया कब्जा। माल्या पर 9,400 करोड़ की लूट की है देनदारी। सीबीआई ने दिए सुरेश सिंघल को कोल घोटाले में सरकारी गवाह बनाने के संकेत। अदालत से मांगी पूछताछ की इजाजत। बोली सीबीआई सिंघल से मिल सकते हैं घोटाले से जुड़े दस्तावेज। आरोपियों ने सिंघल को सरकारी गवाह बनाए जाने का किया विरोध। कोल घोटाले में जेआईपीएल के डायरेक्टर्स आरसी रूंगटा और आरएस रूंगटा को अंतरिम जमानत। दिल्ली हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत। स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने सुनाई थी 4 साल की सजा। बाजार में ब्लैक मनी रोकने के लिए सेबी बढ़ा सकता है सख्ती। पी नोट्स के लिए जरूरी हो सकता है केवाईसी। सेबी ने कहा पी नोट्स पर कड़े नियम बनाने की प्रक्रिया जारी। पी नोट्स और आईआईपी सीपीआई आंकड़ों से बाजार निराश। सेंसेक्स 301 निफ्टी 86 अंक गिरकर बंद। बैंक आईटी मेटल और रियल्टी शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट। डब्बा ट्रेडर्स के खिलाफ नागपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 13 जगहों पर ईओडब्ल्यू ने की छापेमारी। 13 लोग गिरफ्तार। 2,500 करोड़ की डब्बा ट्रेडिंग का शक। नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी को कैबिनेट की मंजूरी। 2017 तक ट्रेडमार्क रजिस्टर करने में लगेगा सिर्फ 1 महीना। वित्त मंत्री जेटली ने कहा कड़ाई से लागू करेंगे आईपीआर। लोगों को करेंगे जागरूक। बजट सेशन के आखिरी दिन जीएसटी पर छलका पीएम का दर्द। 57 सांसदों के फेयरवेल स्पीच में कहा अगर जीएसटी पास होता तो कई राज्यों को होता फायदा। आपके राज्य वालों को होता आप पर गर्व। वोडाफोन ट्रांसफर प्राइसिंग केस सुनने को तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आईटी विभाग ने की थी अपील। विभाग के अधिकार क्षेत्र पर हाईकोर्ट ने उठाए थे सवाल। टोयोटा की नई इनोवा क्रिस्टा लॉन्च। 2 वर्जन में इनोवा क्रिस्टा। मुंबई में एक शोरूम कीमत 14 से 21 लाख के बीच। कंपनी का 1 लीटर में 15 किलोमीटर की माइलेज का दावा। आपराधिक मानहानि की संवैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर। नहीं खत्म होगा आपराधिक मानहानि का कानून। अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी और सुब्रमण्यम स्वामी ने दी थी चुनौती। बिहार में जंगल राज की शिकायत लेकर बीजेपी पहुंची राष्ट्रपति भवन। उधर फलार जेडीयू एमएलसी मनोरमा के घर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार। संपत्ति जब्त करने की तैयारी। भगवा आतंकवाद पर फिर गर्माई बहस। मालेगांव ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा समेत 6 आरोपियों को क्लीन चिट। कर्नल पुरोहित पर 21 धाराओं के तहत केस बरकरार। सभी आरोपियों पर से हटाया गया मकोका। हरियाणा के जाट आंदोलन में हिंसा के लिए 90 अफसरों की लापरवाही जिम्मेदार। प्रकाश सिंह कमेटी ने सौंपी हरियाणा सरकार को जांच रिपोर्ट। नहीं रहे निरंकारी पंथ के प्रमुख बाबा हरदेव सिंह। कनाडा के मॉन्ट्रियल में सड़क हादसे में निधन। देशभर में शोक की लहर। आश्रमों में जुटे अनुयायी। हैदराबाद एयरपोर्ट पर फ्यूल भराने उतरा दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन AN-225। 600 टन वजन और एक बार में ले जा सकता है 10 टैंक। अब जाएगा मलेशिया होते हुए ऑस्ट्रेलिया। और स्पेन में यूरोप के सबसे बड़े टायर ग्रेवयार्ड में भयानक आग। अथॉरिटी ने लोगों से कहा घर के अंदर ही रहें। जहरीला और दम घोटने वाला है धुआं।